नमस्ते, आज हम 9th जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का या डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। सो आज 9th जुलाई 2024 की जो हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है बाढ़ ऑयल आउल्स को लेके। अब ये बाढ़ आउल्स है क्या और हुआ क्या है? ये जो बाढ़ आउल्स है इनको मारा जा रहा है क्या? किसी जानवर को मारना क्या सच में बहुत अच्छी बात है? क्या किसी जानवर को मारा जाना चाहिए? यही सवाल यहां पे उठ रहा है। और जिस जानवर को मारना है कि यूएसए ने सोची है वो है बाढ़ आउल। अब ये बाढ़ आउल है क्या जिसको मारा जा रहा है और इसका सिलेबस जाएगा कहां? तो ये जो बाढ़ आउल है ये रिसेंटली न्यूज में रहा है क्योंकि यूएसए जो है वो बाढ़ आउल्स को मारने वाला है और इसका जो सिलेबस जाता है वो एनवायरमेंट में जाने वाला है। रिसेंटली यूएस के जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि बाढ़ आउल नाम के जो उनके के स्पीसीज है जो बाढ़ आउल से उनको मारा जाएगा। बाढ़ आउल जो है इनका जो साइंटिफिक नाम है वो है स्ट्रिक्स वेरिया और ये इसीलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि जो बाकी आउल्स है यानी जो स्पॉटेड आउल्स है उनको ये धोखा बन गए हैं, ये उनके लिए खतरा है। अगर आप स्पॉटेड आउल को बचाना चाहते हैं तो ये बाढ़ आउल को मारना होगा। स्पॉटेड आउल जो होते हैं ये स्ट्रिक्स ऑसिडेंटेलिस इसको कहा जाता है और इसकी जो पॉपुलेशन है यूएसए में ये घटती जा रही है। तो किसी आउल की पॉपुलेशन जब घटती जा रही है तो किसी दूसरे आउल को मारा जा रहा है ये हमें देखने मिल रहा है क्योंकि ये इनके लिए खतरा बन गए हैं। तो आउल जो है वो आपने बचपन में देखे होंगे। चलिए मैं आपको इस आउल की पिक्चर दिखा देता हूँ इसकी। आपको ये इस तरह से दिखता है, ये जो है ये है बाढ़ आउल। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये खतरा बन चुका है स्पॉटेड आउल के लिए। अब सबसे पहले आते हैं और हमें यहाँ देखने मिलता है कि यहाँ हो क्या रहा है, इसके एक्शन प्लान के बारे में जानते हैं। तो ये जो प्लान आपको देखने मिल रहा है तो अंडर दिस प्लान जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है, कौन मारने वाला ये भी याद रखिए, कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहने वाले और कुछ लैंड ओनर्स है यानी जिसकी जमीनें हैं वो और जो भी ट्रेंड प्रोफेशनल्स है वो, ये लोगों को अलाउ किया गया है कि ये बाढ़ आउल्स को शूट कर सकते हैं, वो गोली उन पर चला के उनको मार सकते हैं। ये बहुत अलग सी बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पब्लिक हंटिंग जो है बाढ़ आउल की इसको अलाउ नहीं किया गया है। लोगों के सामने आपको इसे नहीं मारना है, आपको इसे मारना भी है तो आप अकेले में या फिर आपके प्राइवेट स्पेस में आप उसे मार सकते हो इस बाढ़ आउल को। बाढ़ आउल जो होते हैं ये नेटिव है, कहाँ के हैं ये याद रखिएगा, ये बाढ़ आउल नॉर्थ अमेरिका के और ये स्पॉटेड आउल के जैसे ही दिखते हैं। ये जो बाढ़ आउल्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत अटैक करते हैं। उसके अलावा ये रेडिली एडॉप्ट कर लेते हैं टू देयर ब्रॉड डाइट, उनकी डाइट जो है ये भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो ये स्पॉटेड आउल्स जो है उनके लिए खतरा बने हुए हैं। अब आगे चलते और आगे हमें देखने मिलता है क्या हुआ है। इनका जो इन्वेजन है, इनका इन्वेजन हुआ यानी ये है बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे आ गए इनकी पॉपुलेशन वेस्ट में, यूएसए के वेस्ट में, इस कारण बहुत ट्रेन आ गया, स्पॉटेड आउल की संख्या घटने लगी क्योंकि बाढ़ आउल्स की संख्या बढ़ने लगी। और हम कहेंगे कि ये जो संख्या ये 85% पे बढ़ने लगी कुछ एरियाज में ये बाढ़ आउल्स की, 1995 और 2007 में देखा गया। तो इनकी पॉपुलेशन जो है ये काफ़ी बड़ी है और जो स्पॉटेड आउल है इनकी पॉपुलेशन जो है ये कम हुई है। तो किलिंग जो है इस कारण बाकी स्पीसीज भी बचेंगी क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो डाइट है ये बाढ़ आउल का ये बहुत ज़्यादा है। ये डाइट में क्या खाते हैं? ये खाते हैं हम कहेंगे सैलेमेंडर्स को या फिर क्रेफिश को। तो क्रेफिश और सैलेमेंडर्स की भी संख्या बचाई जा सकती है अगर बाढ़ आउल्स को मार दिया गया, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो ये करंट अफेयर, अब आपको सोचना है कि यूएसए जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, बट ये डिसीजन तो लिया गया है। और ये जो करंट अफेयर था पहला, इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए अब दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो पहला करंट अफेयर हमें पता चल गया ये वाले आउल के बारे में है और इस आउल का नाम भी आपको पता चल गया, इसको बाढ़ आउल कहा जाता है। दूसरा करंट अफेयर जो है वो एक टेंपल को लेके, और आजकल टेंपल पे क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है इस टेंपल के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है इसको। तो ये जो करंट अफेयर है ये है समयपुरम टेंपल को लेके। ये समयपुरम टेंपल आता कहाँ है? ये समयपुरम टेंपल का जो पार्ट है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ सिलेबस इसका आता है आर्ट एंड कल्चर में। ये समयपुरम टेंपल कहाँ है कहाँ नहीं ये सब इंफॉर्मेशन हम लेंगे, एक एक करके हर चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस करंट अफेयर्स के अलावा आर्ट एंड
कल्चर में आपको पूछा जा सकता है। हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जो उन्होंने रिलीज किया है कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक का नाम है समयपुरम द सैक्रेड सीट ऑफ शक्ति। शक्ति यानी किसी देवी से रिलेटेड रहेगा, किसी हम कहेंगे कि गॉडेस से रिलेटेड रहेगा, तो समयपुरम ये सैक्रेड सीट है शक्ति की, ऐसी एक बुक बनी। और इसको लिखने वाले जो ऑथर है उनका नाम है वृंदा रामानंद करके, वृंदा रामानंद ने इसे लिखा है। और ये आपको हिस्ट्री और कल्चरल सिग्निफिकेंस बताता है किस टेंपल का, तो समयपुरम टेंपल का, जो कि गॉडेस मरियम्मन के लिए है। मरियम्मन गॉडेस जो है उनके लिए ये समयपुरम टेंपल है, उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पे आपको पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे ये टेंपल से रिलेटेड आपको जो भी न्यूज़ है इसमें आपको ये टेंपल को अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अबाउट टेंपल, टेंपल के बारे में जानते हैं। ये टेंपल की अगर बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है तिरुचिरपल्ली करके जो जगह है तमिलनाडु में वहाँ पे। सो तिरुचिरपल्ली तमिलनाडु में ये टेंपल लोकेटेड है और ओवर 1200 ईयर्स ओल्ड ये टेंपल है, 1200 साल पुराना टेंपल है। यानी ये टेंपल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंपल्स में से, एंशियंट टेंपल्स में से एक है। और ये गॉडेस मरियम्मन के लिए है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मरियम्मन के लिए। और बिलीव ऐसा कहा जाता है कि ये जो मरियम्मन है ये कहीं ना कहीं इनकारनेशन है, ये अवतार है। कौन कौन से देवियों के अवतार है, गॉडेस दुर्गा का अवतार है, महाकाली का अवतार है, आदिशक्ति का अवतार है, उसके अलावा निशुम्बा सुधीनी, इन सब देवियों के ये अवतार है मरियम्मन। मरियम्मन टेंपल जो है इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि इसको बनाया कब गया था, यानी इसकी डेट अब तक फिक्स नहीं हमें पता है कि इसको बनाया कब गया था। बट हमें इतना पता चलता है कि ये चोला पीरियड में बनाया गया होगा, यानी उस वक्त भी था ये हमें पता चलता है। जब चोला लोग रूल कर रहे थे तो चोला लोगों के वक्त ये टेंपल वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो उसके अलावा जो करंट टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, अभी जो टेंपल का आपको कॉम्प्लेक्स देखने मिल रहा है, इसको बनाया है विजयनगर किंग ने। तो टेंपल कब बनाया तो नहीं पता, बट जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिल रहा है ये विजयनगर के किंग ने बनाया हुआ है, जिनका नाम है विजय राय चक्रवर्ती करके, इन्होंने बनाया है 18th सेंचुरी में। ये न्यूज़ अच्छे से याद रखेगा, इस रूलर का नाम अच्छे से याद रखेगा। ये वन ऑफ द वेल्दीएस्ट टेंपल्स है तमिलनाडु के, जो जो रिच टेंपल्स है वेल्दीएस्ट टेंपल्स है उनमें से एक टेंपल ये भी है, ठीक है। तो यहाँ समयपुरम टेंपल की बात यहाँ याद रखिएगा। उसके अलावा आपको एक बता दूं कि यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है चिथिराई थेर थिरुविजा करके एक फेस्टिवल है, इसको चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। चैरियट यानी रथ वाली यात्रा होती है, रथ वाला फेस्टिवल होता है, और ये मंथ में मनाया जाता है चिथिराई मंथ में। चिथिराई मंथ यानी अप्रैल का महीना, जिसको हम ग्रेगोरियन या इंग्लिश कैलेंडर में कहते हैं, वो होता है। तो ये मेजर फेस्टिवल है जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जो फेस्टिवल है इसको एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। और ये शुरू होता है, ये जो टेंपल है ये 13 दिन, ये जो फेस्टिवल है ये 13 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये फर्स्ट ट्यूजडे जो होगा तमिल मंथ का, चिथिराई का, वहां से शुरू होता है और बाद में आगे 13 दिन तक चलता है। तो ये है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमें टेंपल के बारे में मिल रही है, समयपुरम टेंपल के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो समयपुरम टेंपल से रिलेटेड जो न्यूज थी, इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और अगली न्यूज जो हमें देखिए, देखिए पहले आपको दिखा देता हूं, ये है एक तरह से टेंपल जो आपको देखने मिलता है, समयपुरम टेंपल। उसके बाद हम अगली न्यूज जो देखने मिल रहे हैं वो है एक इंडियन टैंक को लेके। इसका इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफेंस वाले पार्ट में। जो भी आप डिफेंस की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो भी लोग यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, और डिफेंस के क्वेश्चन आना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो एक टैंक है अपने पास जोरावर नाम का, और ये जो टैंक है इसकी खासियत ये है कि ये काफी हल्का है, काफी लाइट वेट टैंक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक टैंक को डेवलप किया है, और ये इंडिया का इंडिजीनियस यानी इंडिया में ही बनाया हुआ, इंडिजीनियस यानी याद रखिएगा जो इंडिया में ही बना हुआ है वो टैंक है ये, इसका नाम है जोरावर। अब जोरावर के ऊपर ट्रायल्स चलने वाले हैं। हम चाह रहे थे कि एक बहुत लाइट वेट टैंक इंडिया में बनाए हम, और हमने बहुत हल्का टैंक बनाया, और ये जो टैंक है ये टैंक अब हम इसकी ट्रायल्स करने वाले। देखिए ये टैंक दिखा देता हूं आपको किस तरह से दिखेगा, ये टैंक इस तरह से दिखता है, ये जोरावर लाइट वेट टैंक है।
चलिए अब सबसे पहले हम इसको इसके बारे में पहले तो चीज़ें जान लेते हैं अबाउट ऑपरेशन जोरावर, ये जो टैंक है इसको लेके। तो ये ऑपरेशन जो है या ये जो हम कहेंगे कि ये जो जोरावर है टैंक, इसको डेवलप किया है DRDO ने अकेले नहीं, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो करके LNT करके जो कंपनी है LNT उसके साथ मिलके इसको डेवलप किया गया है। इसको डेवलप करने में बाकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। हमको लाइट वेट टैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हम ऐसा चाहते थे कि हमारे पास ऐसा टैंक हो जिसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 25 टन हो, 25 टन से ज़्यादा वेट ना हो, ऐसा टैंक हमें चाहिए था। क्योंकि क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना का, यानी लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख में इंडिया और चाइना का थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्प्यूट हो गया था 2020 में। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने लगी एक लाइट वेट टैंक की, और जो इजीली यहाँ से वहाँ हम ले जा सके, ऐसा लाइट वेट टैंक हमें चाहिए था। अप्रैल 2021 में आर्मी ने इशू की एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि भाई हमें इस तरह के टैंक होना, और यहाँ कहा गया कि 350 लाइट टैंक्स हमें होना जिसका वेट 25 टन से भी कम हो। इसी तरह हमने इसको फिर डेवलप किया ये रिक्वेस्ट पे। अब ये 25 टन से कम का वेट हमें अगर मिलना है तो जोरावर टैंक हमें अच्छे से अभी काम करा सकता है। लाइट वेट टैंक इसीलिए होता है क्योंकि उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जा सके बाय एयर, उसको प्लेन में डाल के भी हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। फायर एट हायर एंगल, हाई एंगल में वो फायर भी कर सकता है, वो आर्टिलरी रोल भी प्ले कर सके। उसके अलावा हम कहेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसकी ऑपरेशनल मोबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ से वहाँ वो इजीली जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को लेके हमें ये देखने मिल रहा है जोरावर। जोरावर की बात बता देता हूँ, जोरावर जो फायर कर सकता है, फील्ड आर्टिलरी जो इसमें लगी हुई है यहाँ से जो वो मारेगा, ये FV-433 है और 105 mm का उसका ये रहेगा, साइज रहेगा। उसके अलावा कोएक्सियल मशीन गन भी लगी है। कोएक्सियल मशीन गन यानी वो मशीन गन होती है जो टैंक में लगाई जाती है, और इसका भी हम कहेंगे इसका साइज है 7.62 mm की यहाँ से गोलियाँ चल सकती है। उसके अलावा इसका मास, जैसे हमने सोचा था कि 25 टन तक रहना चाहिए, ये पूरे टैंक का जो वेट है वो 25 टन है। उसके अलावा इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। इसका हॉर्स पावर है 1000 हॉर्स पावर इसका पावर है, बहुत पावरफुल दिख रहा है। उसके अलावा मैक्सिमम स्पीड 70 km/h से ये चल सकता है रोड पे, और ऑफ रोडिंग अगर बात की जाए तो 35 से 40 km/h के स्पीड से ये रोड पे भी ये ऑफ रोडिंग कर सकता है, जहाँ रोड नहीं बने वहाँ पे भी ये स्पीड इस टैंक को मिल सकती है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली जो ये पिक्चर दिख रहा है ये DRDO से लिया गया है। और उसके अलावा ये जो न्यूज़ थी ये न्यूज़ ली गई है द हिंदू से, तो ये द हिंदू की एक न्यूज़ थी जो कि हमें देखने मिल रही है टैंक जोरावर के बारे में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा जो है ये तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी माने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं बुद्धिज़्म के। दलाई लामा जो है इनका ये जो आज का टॉपिक है दलाई लामा वाला, इसका सिलेबस जाता है आर्ट एंड कल्चर में। रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली 89th बर्थडे मनाया गया है बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा का, ये सेलिब्रेट किया जाता है 89th बर्थडे। ये दलाई लामा है जिनको आपने काफ़ी बार देखा होगा। दलाई लामा न्यूज़ में आ गए और दलाई लामा के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दलाई लामा कौन है, सबसे पहले आपको बता दूं कि दलाई लामा बिलोंग्स टू गेलुगपा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट टिबेटिन बुद्धिज्म। कौन सा ट्रेडिशन, गेलुगपा ट्रेडिशन, अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन है टिबेट का, टिबेट के बुद्धिज्म का सबसे लार्जेस्ट और इंपॉर्टेंट टिबेट का जो बुद्धिज्म है वो है गेलुगपा ट्रेडिशन टिबेटियन बुद्धिज़्म का। और आपको ये बता दूं कि अब तक सिर्फ 14 दलाई लामा बने हुए हैं, ओनली 14 दलाई लामाज इन द हिस्ट्री ऑफ टिबेटियन बुद्धिज़्म देखे गए हैं। पहले और दूसरे दलाई लामा तो उनकी डेथ के बाद उनको ये टाइटल दिया गया था दलाई लामा का। 14th दलाई लामा जो है करंटली, उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो मैंने आपको ऊपर जो अभी पिक्चर दिखाई, आपको जो इमेज दिखाई, ये फोटो है तेंजिन ग्यात्सो का, जो कि अभी 14th आपको दलाई लामा देखने मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ऐसा कहा जाता है बुद्धिज्म में कुछ बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व यानी क्या, ये भी बता देता हूँ। बोधिसत्व में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने निर्वाण हासिल किया था। गौतम बुद्ध को हासिल हुआ था निर्वाण। निर्वाण हासिल होता है जब बहुत अच्छे से एनलाइटनमेंट हो जाता है माइंड का, जब आप
काफ़ी सारा मेडिटेशन कर लेते हैं, बट बोधि जो जिसको निर्वाण हासिल हो जाता है उसको तो बुद्ध कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बट जो निर्वाण हासिल करने के बहुत करीब है, जो बुद्ध बनने के बहुत करीब है, बट कुछ रीजंस के कारण नहीं बन पा रहा है, जैसे कुछ वो लोगों की सेवा कर रहा है, किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बन नहीं पा रहा है, उनको कहा जाता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व यानी बुद्ध बनने के बहुत करीब है, एनलाइटनमेंट हासिल करने के बहुत करीब है, निर्वाण हासिल कर सकते हैं, बट कुछ कारणों से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले याद रख सकते हैं कि ये जो बोधिसत्व है उन्हीं में से एक, इन्हीं के अवतार माने जाते हैं ये, जो आपको देखने मिलते हैं दलाई लामा। वो दलाई लामा ऐसे कहे जाते हैं कि ये अवलोकितेश्वर नाम के एक बोधिसत्व है। देखिए बोधिसत्व पे क्वेश्चन आया है, इसके पहले भी काफी सारे क्वेश्चन आए हैं आपको, तो याद रखिएगा अवलोकितेश्वर जो है इनको चंद्रजिक भी कहा जाता है। तो ये बोधिसत्व के ही अवतार है जो दलाई लामा होते हैं वो। ऐसे अलग अलग दलाई लामा अब तक 14 आके गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इनमें जो एक बुद्ध का है वो है कंपैशन, यानी दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए करुणा, इसलिए दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और ये सेंट होते हैं, टिबेट के सेंट भी माने जाते हैं। बोधिसत्व जो होते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो बुद्धहुड तक पहुंच सकते हैं, और उनका एक कुछ ना कुछ ऐसी विश होती है कि उनको बुद्ध बनना है फॉर द बेनिफिट और सेंटिएंट बींग्स, जिनको भी तकलीफ होती है उन सब के लिए, वो बींग्स के लिए वो हो चाहते हैं कि वो बुद्ध बने और सबकी तकलीफें दूर करें। और वही है कि इसीलिए वो बार बार रिबॉर्न होते रहते, बार बार वो जन्म लेते रहते ताकि वो अच्छे से फिर से काम कर सके, फिर से गौतम बुद्ध ने जो जो किया उसको वो दोहरा सके। दलाई लामा जो 14th है वो टिबेट से इंडिया में आ गए थे, टिबेट छोड़ के इंडिया में आ गए थे, क्योंकि टिबेट में इशू चल रहा था, टिबेटन अपराइजिंग चल रहा था 1959 में। एट दैट टाइम दलाई लामा जो है 14 दलाई लामा ही फ्लेड फ्रॉम टिबेट टू इंडिया, और तब से वो इंडिया में ही रह रहे हैं। इंडिया में धर्मशाला के एक मॉनेस्ट्री में आपको वो देखने मिलते हैं रहते हुए, ये दलाई लामा। सो ये जो दलाई लामा, ये 14 दलाई लामा, और इनका अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए ये न्यूज में रहे। और ये जो न्यूज थी इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स में से एक माना जाता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो एयर पोल्यूशन को लेके है, एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। हमारे यहाँ पे अक्सर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा तकलीफ का कारण है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, एयर पोल्यूशन और मॉर्टेलिटी इन इंडिया, यानी इंडियन सिटीज़ में होने वाली डेथ एयर पोल्यूशन से, इसका जो सिलेबस है ये जाता है एनवायरमेंट में। रिसेंटली लैंसेंट जो होते हैं, याद रखेगा किसने, तो लैंसेंट ने पब्लिश की है फर्स्ट मल्टी सिटी स्टडी रिपोर्ट। तो इन्होंने एक फर्स्ट मल्टी सिटी स्टडी की, अलग अलग शहरों पे स्टडी की गई, और उसके बाद ये जाना है कि भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस कारण मॉर्टिलिटी भी बढ़ते जा रही है, यानी बहुत सारे देश शहरों में इंडिया के लोगों की डेथ भी हो रही है, यानी एक्सपोजर एंड मॉर्टिलिटी इन 10 मेजर सिटीज, ये सर्वे किया जाता है, स्टडी की जाती है 10 मेजर शहरों में। और उससे हमें पता चल रहा है 2008 से 2019 के बीच में पोल्यूशन के कारण बहुत बुरी हालत है हमारे देश की। चलिए अब देख लेते हैं क्या होता है, की फाइंडिंग्स इस स्टडी की क्या है, ये स्टडी ने आखिर क्या ढूंढ के निकाला। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ कहा जाता है, पहला तो एयर पोल्यूशन कॉजिंग डेथ, तो स्टडी ने ये रिवील किया है कि ओवर 33,000 डेथ्स जो है, 33,000 डेथ्स कम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 7.2 टोटल जो डेथ्स हुई है उसमें से 7.2% जो डेथ्स है ये एयर पोल्यूशन से होती है हर साल, ऐसा नहीं कि इतने सालों में, हर साल 33,000 लोग पोल्यूशन से उनकी डेथ होती है। तो बड़े बड़े ही सिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हर पूरे इंडिया में देख रहे, तो बड़े बड़े सिटी में ही इतने हाल है, ऑल ओवर इंडिया में तो कितने लोगों की डेथ होती होगी। दूसरी बात यहाँ की जाती है हाईएस्ट मॉर्टेलिटी बर्डन, सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हो रही है इसकी, इस स्टडी में, और उसका नाम है दिल्ली। आपने गेस कर लिया होगा मुझे पता है। तो मोस्ट सीवियर एयर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में देखे जा रहा है, 11.5% जो डेथ्स हो रही है दिल्ली में वो ड्यू टू एयर पोल्यूशन हो रही है, यानी हम कहेंगे कि 12,000 डेथ साल में हो रही है एयर पोल्यूशन से। तीसरा, सबसे कम कहां हो रही है ये भी यहां ढूंढ के निकाला, और सबसे कम शिमला में हो रही है, लोएस्ट मॉर्टेलिटी। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट डाला जा सकता है कहां ज्यादा हो रही है, कहां कम हो रही है, स्टेट शिमला में सबसे कम हो रही है। तो ये ऐसा एक शहर है जहां पे सबसे कम एयर पोल्यूशन से डेथ हो रही है, यानी 59 डेथ्स हुई है एक साल में, और फिर भी 3.7 टोटल डेथ्स में से इतनी है वो।
तो हम कहेंगे यहाँ पे भी डेथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है बट कम हो रही है। अगला इस रिपोर्ट में ढूंढ के निकाला है क्रोनिक एक्सीडेंट्स ऑफ सेफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे वही है कि कितना सेफ है, कितना रहना चाहिए। तो अगर डेथ्स और ये सब प्रॉब्लम्स रोकना है तो सबसे पहले पता चलता है कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ नंबर सेट करके दिए कि इसके ऊपर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो PM 2.5 की बात की गई है। अभी हम एंड में मैं आपको PM 2.5 क्या होता है ये भी बताऊंगा, आपको डरना नहीं है। तो ये पर्टिकुलर मैटर होता है और ये 2.5 माइक्रोमीटर जो होती है इसका ये हम कहेंगे कि एक साइज़ होती है, बहुत बारीक ऐसे पतले से होते हैं ऐसे डस्ट के पार्टिकल, जिसको PM 2.5 कहते हैं। हम सब आगे देखेंगे इसको, बट फिलहाल ये बता दूं कि इस कारण ये जो धूल होती है ये हमारे अंदर जाती है और इससे डेथ होती है, तो इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा है कि 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एरिया में ये हम कहेंगे कि 15 माइक्रोमीटर, इतना कम इसका स्प्रेड रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो डेथ हो सकती है। ये भी यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है और हम इसको आए दिन इस लिमिटेशन को तोड़ रहे हैं, हम इस लिमिट को फॉलो नहीं हो रहा है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे होते हुए आपको दिखते हैं। अगला है डेटोरिएटिंग हेल्थ एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल, यानी हम यही कहेंगे कि हमारी हेल्थ खराब होते जा रही है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हम कहेंगे PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, यानी हम कहेंगे 1.42% जो डेथ हो रही है वो PM 2.5 के कारण ही हो रही है। क्योंकि बोला है कि भाई 15%, बट हम कहेंगे कि हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है, इतना तो हम हर वक्त बढ़ा रहे हो और इतना बढ़ने पे इतनी डेथ्स बढ़ते रहती है, इतना बढ़ेगा इतनी डेथ बढ़ेगी, फिर से और 10 इससे बढ़ेगा, फिर से 1.42% राइज होगा मॉर्टेलिटी में, ये 10 सिटी में, ये यहाँ इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब ये रिपोर्ट की बात तो अलग है, बट हमें अब देखना होगा एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन में सबसे खतरनाक जो माने जाते हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे डेंजर जो माना जा रहा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, वन ऑफ दी हार्मफुल जो हमारे जो भी गैसेस है या फिर जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इनके जलने से आता है। ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है फ्रॉम एसिड रेन के फॉर्म में आते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम जाता है, इम्पैक्ट करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी जो सांस लेने की प्रॉब्लम है इससे वो हो सकती है। दूसरा ओजोन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है O3, इसका SO2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी ये डायरेक्टली बनता नहीं है, इसके लिए जो NO2 या फिर NOx जो भी आप यहाँ लिखोगे वो या VOC की ज़रूरत होती है। ये दो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो मिलते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सनरेज के हम कहेंगे प्रेजेंस में, और फिर O3 बनता है। O3 भी बहुत बुरा होता है, आपके आँखों में तकलीफ़ होती है और सांस लेने में इससे तकलीफ़ होती है, अस्थमा अटैक्स भी आ सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती है इस ओजोन O3 से। उसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 की अगर बात करें तो NO2 ये कहाँ से आते हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आता है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर से। उसके अलावा ओजोन और PM फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी इससे O3 भी बनता है और पर्टिकुलेट मैटर भी बनते हैं PM, अभी हम एंड में PM भी पढ़ेंगे। सो ये सब बनने से आपको यहाँ पे तकलीफें देखने मिलती है और इम्पैक्ट क्या है, क्रोनिक लंग डिजीज़ होता है इससे, लंग में डिजीज़ होता है इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से NO2 से। उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये निकलता है गाड़ियों से या फिर हम कहेंगे जो भी हम कोयला और ये सब जलाएंगे उससे, इनकम्प्लीट कम्बशन से निकलता है, इनकम्प्लीट बर्निंग जो होती है उससे निकलता है। तो हम कहेंगे फ्यूल्स की इनकम्प्लीट बर्निंग करोगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तो निकलेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे फटीग बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है, डिजीनेस बढ़ता है, दिमाग से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है ब्रेन को, इसलिए ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। उसके बाद अगला हमें देखने मिलता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, हम जो भी अमीनो एसिड से इससे बनता है जिसमें हम कहेंगे कि नाइट्रोजन होते हैं अमीनो एसिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स और इन सब से ये बनता है। इम्पैक्ट यही होती है कि आँखों में इससे जलन होती है, नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होते हैं। इतना ही नहीं तो ब्लाइंडनेस आता है, अचानक से दिखना
कम हो जाता है या लंग डैमेज होने लगते हैं इस अमोनिया से। उसके अलावा लेड, लेड यानी पीबी इसका फॉर्मूला है, ये वेस्ट प्रोडक्ट से निकलता है जैसे कि सिल्वर, प्लैटिनियम और आयन इससे निकलता है उनके ओर्स की जब हम माइनिंग करते हैं उस वक्त, और ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इससे एनीमिया होता है ब्लड में, जो आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, वीकनेस आता है, किडनी और ब्रेन डैमेज भी इससे होता है। काफ़ी डेंजरस है ये पूरे पोल्यूटेंट्स। और आखिरी में आपको बता दूँ पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें पीएम, अभी मैंने आपको बताया इसमें आता है पीएम 10, पीएम 2.5। पीएम 10 जो होता है इसका डायमीटर के कारण इसको 10 कहा जाता है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये पूरा, ये होता है 10 माइक्रोमीटर से भी कम, 10 माइक्रोमीटर से भी कम, तो इसको कहा जाता है पीएम 10। ऐसे धूल के पार्टिकल्स होते हैं इतने पतले, इतने बारीक कि उसका डायमीटर आपको 10 माइक्रोमीटर से भी कम देखने मिलता है। सोचो सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, मिलीमीटर भी बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो सीधा माइक्रोमीटर में है। उसके अलावा पीएम 2.5 तो बहुत डेंजर होते हैं। धूल के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं और आपके अंदर जाते हैं, जो आप मास्क पहनते हैं उस मास्क से भी ये पास करके उसके अंदर जा सकते हैं, इतने इतने पतले होते हैं। 2.5 यानी इसका डायमीटर सोचिए 2.5 होता है, 2.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर के ये होते हैं जो किसी भी चीज़ को पास कर जाते हैं, और ये बहुत छोटे होने के कारण बहुत टेंशन का काम है। निकलते कहाँ से है ये सब? इनका सोर्स है कंस्ट्रक्शन साइट्स, दूसरा है रोड का काम चल रहा, फील्ड का काम चल रहा, आग लग जाती है उसमें से भी निकलते हैं ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो, ये बहुत डेंजर होते हैं, हवा में रहते हैं। इम्पैक्ट क्या है? हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर होने लगती है, आपके हार्ट बीट्स में प्रॉब्लम होने लगता है, अस्थमा के अटैक्स आने लगते हैं, अस्थमा हो जाता है, और लंग के फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, लंग के ऊपर भी इंपैक्ट होता है। बहुत बुरे हैं ये सभी पोल्यूटेंट्स जो है वो। तो अभी यहां पे हमें जो न्यूज देखने मिली वो थी एयर पोल्यूटेंट्स को लेके, और उसके बाद मॉर्टेलिटी यानी कितनी डेथ होती है उसको लेके। तो इसका जो सोर्स था वो इस करंट अफेयर का वो था इंडियन एक्सप्रेस। तो ये रहे आज के करंट अफेयर, अब बारी आज के एमसीक्यू को सॉल्व करने की। तो चलिए पहले एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते। तो जो पहला एमसीक्यू हमें देखने मिल रहा है वो है सबसे पहला विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशन जोरावर। अब ऑपरेशन जोरावर मैंने बताया, या फिर टैंक को लेके आप यहाँ पे कह सकते टैंक। स्टेटमेंट्स देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इट वॉज जॉइंटली डेवलप बाई DRDO, लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT विथ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस माइक्रो स्केल एंड मीडियल एंटरप्राइजेस। सेकेंड है रिक्वायरमेंट फॉर लाइट वेट टैंक, इसीलिए रिक्वायरमेंट पड़ी क्योंकि 2020 में चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख हमारा प्रॉब्लम हो गया था इंडिया का। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज वन ओनली, सेकेंड इज टू ओनली, थर्ड इज बोथ वन एंड टू, एंड फोर्थ इज नाइदर वन नॉर टू। तो जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है तुरंत। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है विथ रेफरेंस टू समयपुरम टेम्पल। समयपुरम टेम्पल को लेके आपको सोचना है। पहला है कि ये जो टेम्पल है लोकेटेड है तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में, और ये गॉडेस मरियम्मन के लिए बनाया गया है। दूसरा है करंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ड बाय विजयनगर किंग विजयराय चक्रवर्ती इन द 18th सेंचुरी। थर्ड है द चित्तिराई थेर थिरुविजा, दैट इज अ चैरियट फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ चित्तिराई अप्रैल इज मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली एट दिस टेम्पल। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन, सॉरी यहाँ पे हम कहेंगे अबव मेंशन स्टेटमेंट्स, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट इज ओनली वन, सेकेंड इज ओनली टू, थर्ड इज ओनली थ्री, एंड फोर्थ इज नन। तो आपको इसमें के जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो बताने हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बार्ड आउल को लेके। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बार्ड आउल। फर्स्ट, बार्ड आउल्स आर नेटिव टू नॉर्दर्न अमेरिका। सेकेंड, बार्ड आउल्स आर लार्जर, मोर एग्रेसिव एंड कैन रेडिली अडॉप्ट टू देयर ब्रॉड डाइट। थर्ड, बार्ड आउल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पॉटेड आउट आउल इन USA। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट इज ओनली वन, सेकेंड इज ओनली टू, थर्ड इज ओनली थ्री, या फिर थर्ड फोर्थ इज नन। सो आपको यहाँ पे जो भी आंसर करेक्ट लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपके जो कमेंट्स आएंगे उसको मैं हर बार पढ़ते रहता हूँ, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाइए। तो हम मिलेंगे कल आगे के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।